Now, children, let's move on to chapter number 15, and the name is Clean Our Bharat. अपने भारत को क्लीन करना है. स्वच्छ भारत मिशन इज द बिगेस्ट एवर क्लीनलीनेस ड्राइव इन द कंट्री. हमारे कंट्री में जो ये स्वच्छ भारत अभियान है, ये सबसे बड़ा मिशन है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया appealed to each Indian to get involved in the mission and make it successful. So the Prime Minister है हमारे India के Mr. Narendra Modi, उन्होंने Indian से appeal की है कि India को स्वच्छ बनाएं और इस mission में योगदान दें ताकि ये mission successful हो पाए. तो यहाँ पे children कुछ questions दिए गए हैं, we have to answer them. First one is, which campaign has been started by the government of India for making India a clean and green country? कौन सा मिशन स्टार्ट किया था हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया को साफ सुथरा रहने रखने के लिए या ग्रीन बनाने के लिए? तो द नेम इज स्वच्छ भारत अभियान. Who designed the logo of Swachh Bharat Abhiyan? Swachh Bharat Abhiyan ka jo logo hai, usse kisne banaya? Isse banaya Sri Anand from Maharashtra. Maharashtra ke Sri Anand ne is logo ko banaya tha. Which is the cleanest village in India? India mein aapko pata hai ki ek village hai jo sabse zyada clean village hai. To kaun sa wo village hai? To uska naam hai Manlong. स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ फेमस लीडर. हु इज ही? तो स्वच्छ भारत अभियान जब लॉन्च किया गया था तो एक पर्टिकुलर दिन था जिस दिन इसे लॉन्च किया गया. उस दिन किसी फेमस इंडियन लीडर का बर्थडे था. तो कौन थे वो लीडर? उनका नाम था महात्मा गांधी. What role does central or state government play in protecting water quality? क्या रोल है central or state government का water की quality को protect करने में? Who are responsible to keep neighborhood clean? Neighborhood को clean करने के लिए, रखने के लिए कौन responsible है? Which ministry initiate the Swachh Bharat mission? कौन सी industry है, कौन सी ministry है जो स्वच्छ भारत मिशन में योगदान देती है? हु इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन? कौन है इस मिशन के पीछे वो इंस्पिरेशन? उसका नाम लिखना है आपको. विच अवार्ड इज गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू सिटीज एंड विलेजेस फॉर क्लीनलीनेस? कौन सा अवार्ड दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किसी सिटी या विलेज को क्लीनलीनेस के लिए? एंड What is OSS system? क्या है OSS system? So these questions you have to answer yourself, dear children. Now let's move on to, did you know? More than 75% of sewage or water waste disposal is not treated in India. आपको पता है कि 75% से ज़्यादा जो sewage है या जो water waste disposal है वो ट्रीट नहीं किया जाता, उसकी सफाई नहीं की जाती. आप जो टॉयलेट में जाते हो तो क्या निकलता है? सीवर निकलता है. उस सीवर की सफाई नहीं की जाती, उसे ट्रीट नहीं किया जाता है. रिसाइकलिंग सॉलिड वेस्ट इज अ बिग प्रॉब्लम. इसे रिसाइकल करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इन रूरल एरियाज लैक ऑफ एडिक्वेट सैनिटेशन इज अ ह्यूज चैलेंज. अगर हम गाँव की बात करें, रूरल एरिया की बात करें, तो यहाँ पे ये जो सैनिटेशन है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है. दीज इश्यूज नीड टू बी फोकस नाउ. अब इन इश्यूज पे ध्यान देने की ज़रूरत है सो दैट अ मेजर क्राइसिस कैन बी प्रिवेंटेड इन द फ्यूचर. ताकि फ्यूचर में मेजर क्राइसिस को प्रिवेंट किया जाए. बट द मेजर चैलेंज इज टू चेंज द माइंड सेट ऑफ द पीपल. सबसे बड़ी बात क्या है? लोगों के दिमाग में जो चीज़ बैठ चुकी है ना, उसको निकालने की बात है, उसको ठीक करने की बात है, लोगों के माइंडसेट को चेंज करने की बात है. इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन लर्न्स नॉट टू स्पिट और थ्रो गार्बेज ऑन द रोड. हर किसी को ये याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि रास्ते में थूकना
और गार्बेज मीन्स कूड़ा फेंकना सही नहीं है. अगर हम ये करेंगे तो हम कभी भी अपने इंडिया को क्लीन नहीं कर पाएंगे. सो दिस वी हैव टू रिमेम्बर.